2 kg bran and 1 kg jaggery or molasses moisted with lukewarm water in is given to. 2 kg चोकर और 1 kg गुड़ खांड को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर निम्न को दिया जाता है. फटाफट बताओ, नेवली बर्न कॉफ. तो भैया जो नवजात बछड़ा होता है इसको तो देते ही नहीं है क्योंकि ये तो जुगाली ही नहीं कर पाता है. इसको क्या करेंगे, इसको तो पूर्ण रूप से खीस या कोलेस्ट्रम ही देते हैं 3 दिन तक. आया ना समझ में. उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तब इसको इसके शरीर का 1/10 क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं. ध्यान रखना. फिर फ्रेशी काउल्ड काऊ और बफेलो हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली या गाय या भैंस. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पी है भैया. 2 kg चोकर और 1 kg गुड़, ये ध्यान रखना. जब गाय किसी नए बछड़े को जन्म देती है तब उसको क्या करते हैं, यही राशन दिया जाता है और ये भी गुनगुने पानी के साथ. बिल्कुल ध्यान रखना. हाँ, प्रेग्नेंट काऊ को अलग देते हैं जो उसको क्या कहा जाता है, तो स्टीमिंग ऑपरेशन जो कहा जाता है वो अलग देते हैं भैया. प्रजनन के पहले ब्याने के 3 महीने पहले से 1 kg दाना जो अलग से देते हैं वो स्टीमिंग अपराशन होता है. वो किस लिए देते हैं, तो जो गर्भ के अंदर जो भ्रूण पल रहा होता है उसके लिए 1 kg दाना अलग से देते हैं. किसको, गर्भवती गाय को, प्रेग्नेंट काऊ को. कब देते हैं, तो गर्भ धारण के 6 महीने बाद, या आप ऐसा बोल सकते हो अंतिम 3 महीने के लिए पर डे 1 kg अतिरिक्त दाना. उसको स्टीमिंग अप राशन या फिटिंग राशन भी कहा जाता है. इस चीज को ध्यान रखना. बिल्कुल. तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. स्पॉट द रोडेंट पेस्ट, कृतंक जीव पहचाने. फटाफट आपका आंसर आने दो. हाँ, फिटिंग अप भी बोलते हैं, साथ ही साथ उसको स्टीमिंग अप भी कहा जाता है. ये भ्रूण जो होता है, जो इम्ब्रियो गर्भ में, प्रेग्नेंट काउ के गर्भ में जो पल रहा होता है उसको उसके शारीरिक वृद्धि और उसकी रक्षा के लिए दिया जाता है. हाँ, यहाँ पर तोमर जी ए वाला आंसर दे रहे हैं, गुर्जर जी ए, बागरी जी ने भी ए बोला है. फटाफट देते जाओ भैया. लिंक को शेयर भी कर दिया करो आप लोग जब भी आपको समय मिले बीच में. बागरी जी ए, कुशवा जी ए, वर्मा जी ए, कटारे जी ए, बिल्कुल बताते जाओ भैया. गुर्जर जी ए, तोमर जी रॉन्ग. रॉन्ग कहाँ है आप. स्पॉट द रोडेंट, रोडेंट जो होते हैं, रोडेंट पेस्ट, क्लियर, जो दाने को काटने का काम करते हैं. क्या करते हैं, दाने को काटते हैं, उनको रोडेंट कहा जाता है. तो रोडेंट में आता है चूहा. यहां आपका ए वाला आंसर करेक्ट है. हाँ, जो भंडार गृह में जो पेस्ट लगते हैं या फिर खेत में आप जो दाना डालते हो उसको ये निकाल कर क्या करते हैं, खा जाते हैं. क्लियर. कैटरपिलर नहीं आएगा, क्लियर, ये रोडेंट में नहीं आता है. ये है एक इंसेक्ट. ये क्या है, एक इंसेक्ट है. और वॉर्म या कीड़े जो होते हैं इनको भी इंसेक्ट में ही रखा जाता है. तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते. खरगोश दाने को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये भी नहीं है. तो चूहा या रेट, क्लियर, इसको रोडेंट में रखा गया है. मैं आपको एक बार और बता देता हूं रोडेंट क्या होते हैं, इसको आप बिल्कुल समझ लेना. रोडेंट क्या होते हैं, तो आपको इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में नाम याद करो, हिंदी में करना हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं. कृतंक नाशक कीट नाशिक है जो कृतंकों को मारते हैं, जिनको रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है. ये रोडेंटिसाइड्स का बता रहा हूं, क्लियर. रोडेंटिसाइड्स वर्ड भी ध्यान रखना, रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, क्लियर, ये वाला वर्ड रोडेंटिसाइड्स जो रोडेंट को मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आर पेस्टिसाइड दैट किल रोडेंट्स.
रोडेंट्स इंक्लूड नॉट ओनली रेट्स, इनमें केवल रेट ही नहीं आते, रेट मतलब चूहे ही अकेले नहीं आते, इसके अलावा माइज भी आता है, जिसको हम छुछुंदरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छुछुंदरी, एक चूहे की ही प्रजाति होती है माइस, क्लियर। फिर ओड चॉक्स होता है इसके अंदर, फिर चीप मंक्स होता है इसके अंदर, फिर पोर चीपनेस होता है, न्यूट्रिया भी इसके अंदर आता है, और बीवर्स भी इसके अंदर आते हैं। इन चीज को ध्यान रखना। हिंदी में अगर बोलो तो चूहे के अलावा गिलहरी भी आती है, लकड़बग्गा भी आता है, चीप मक्स भी आता है, साही भी आता है, नटरिया भी आता है, और बीवर भी आते हैं। इनको ध्यान रखना, ये सब रोडेंट्स में आते हैं, और इनको मारने के लिए जिस केमिकल का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है रोडेंटिसाइड्स। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, तो इनके नाम ध्यान रखना, चाहो तो हिंदी में याद रखना, चाहे इंग्लिश में। इनको मारने के लिए उपयोग करते हैं रोडेंटिसाइड्स का, क्लियर। वैसे मेनली आते हैं इसमें चूहे या रेट्स, लेकिन चूहे के अलावा अगर दूसरा आंसर अगर आ जाए तो वो भी रोडेंटिसाइड्स के अंदर ही, और रोडेंट्स के अंदर ही वो भी आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, दूध स्त्रावित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन खालिस्थान से स्त्रावित होता है। बताओ किससे स्त्रावित होता है? फर्स्ट है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, किससे स्त्रावित होता है? खुशी जी, इन्होंने ए वाला आंसर दिया है, वर्मा जी ने भी ए वाला आंसर दिया है, तोमर जी ए, बागरी जी ए, कटारे जी ए, यादव जी ए, योगेश राय जी ए, चंद्रेश पराशर जी ए, योगेश राय जी ए, जादव जी ने भी ए बोला है, धाकड़ जी भी ए बोल रहे हैं, कुशवा जी भी ए बोल रहे हैं, बिल्कुल, गुर्जर जी ए, हाँ राय साहब ए वाला आंसर देख लिया हमने, त्रिपाठी जी बी वाला आंसर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना भैया, आपको जो पूछा है वो पूछा है दूध उतारने के लिए या दूध स्त्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो आप सभी को पता है भैया, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो वो होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि से, आया ना समझ में? इसको कहा जाता है पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि, एक अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि भी है, तो उसको भी हम देखेंगे वो क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, इसको वर्मा जी बिल्कुल मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे काम करती है, कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको ध्यान रखना भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पशु में, क्योंकि ये अकेले दूध उतारने का काम नहीं करती, दूध उतारने के लिए तो ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तरदायी है, इसी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा और भी इसके कार्य या वर्क होते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है और कैसे वर्क करती है, तो देखते हैं हम इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये पूछा आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक अग्र होता है और एक पश्च होता है, तो पश्च वाला जो होता है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला, ये अग्र है और ये पश्च है, तो पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये क्या करता है भैया, तो इसका नर्वस सिस्टम, ये जो आपका आयन होता है, आयन के जो आयन का जो सिस्टम होता है उससे इसका सीधा संपर्क होता है। जैसे ही बछड़ा थनों को मुंह लगाता है या आप दूध निकालने के लिए जाते हो, तो आयन से यहां मैसेज जाता है मस्तिष्क में, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पशु के मस्तिष्क में, कहां होती है? हेड में, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे यहां से इंफॉर्मेशन गई पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये हार्मोन स्त्रावित करेगी, कहां? हार्ट में जाएगा, और हार्ट से पंपिंग होगी, ये फटाफट कहां आ जाएगा? ये आयन में आ जाएगा, और पशु अपना दूध
थनों में उतार देता है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये, हाँ वर्मा जी माइंड में होती है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं ये, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। जब बछड़े का जन्म होता है तो जन्म के लिए भी ये क्या करती है, उत्तरदायी होती है। साथ ही साथ पशु के शारीरिक वृद्धि में भी इसका महत्व होता है। साथ ही साथ इस ग्रंथि का उपयोग जो होता है और क्या कार्य होता है, तो और इसका जो पशु के जो मादा जनन अंग होते हैं उन जनन अंगों के विकास में भी ये सहायता करती है। तो इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, साथ ही साथ शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनको चलाने में भी पिट्यूटरी ग्लैंड सहायता करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और ये होती है मस्तिष्क में। एक और ग्लैंड होती है जो जस्ट इससे उल्टा काम करती है। उल्टा काम कैसे करती है कि अगर पशु अचानक भड़क जाए, डर जाए और अचानक दूध देना रोक ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो दूध चढ़ाना, आए ना समझ में, तो अगर पशु दूध चुरा ले या चढ़ा ले तो वो किसके कारण होता है, तो वो भी ध्यान रखना, वो होता है कौन सी ग्रंथि के कारण और उससे निकलने वाले कौन से हार्मोन के कारण। तो ऑक्सीटोसिन का उल्टा जो इफेक्ट होता है वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण होता है, जो कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि, इसको ध्यान रखना भैया, आया ना समझ में। एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को समाप्त करके दूध उतरना रोक लेता है या दूध चढ़ा लेता है वापिस, तो वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन, क्लियर, ये ध्यान रखना। अच्छा कभी कभी जो है ना वो एड्रीनलिन हार्मोन नहीं देता, उसकी जगह ये चेंज कर देता और इसका नाम दे देता है एपिनेफ्रिन, क्लियर, एपिनेफ्रिन। तो चाहे एड्रीनलिन हार्मोन बोले चाहे एपिनेफ्रिन हार्मोन बोले, दोनों एक ही है, आप ध्यान रखना इसको, क्लियर। तो पिट्यूटरी ग्रंथि में भी अग्र और पश्च होता है, तो जो अग्र होती है वो दूसरे कार्यों में उपयोग होती है, लेकिन पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करती है, जो पशु में दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो ऑक्सीटोसिन का जो इफेक्ट है, क्लियर, वो कितने समय तक होता है, तो 5 से 7 मिनट तक, क्लियर। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक होता है पशु में, इसीलिए कहा जाता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर पूर्ण दूध दोहन कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पशु दूध का जो दूध उतारा है उसको नीचे आने से रोक लेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकला है उसका प्रभाव केवल 5 से 7 मिनट तक ही रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो ध्यान रखना आप। अच्छा दूसरा मैं आपको जो बताया था एड्रीनल ग्रंथि कहाँ होती है, तो एड्रीनल ग्रंथि भी पता होना चाहिए। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो वृक्क या किडनी के पास होती है, यहां पर जो वृक्क होता है जिसको क्या बोलते हैं किडनी, पेट में होती है, सीधी बोलो तो, सीधी भाषा में अगर बोलो तो पेट में होती है, और पेट में कहाँ, जहां पशु का किडनी होता है, किडनी के पास में होता है एड्रीनल ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है। तो ध्यान रखना भैया ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको बारीकी से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर हाइजीनिक, निम्न में से किस विधि से उत्पादित दूध अधिक स्वच्छ होता है, नकलिंग से, दूसरा स्ट्रिपिंग से, तीसरा फिस्टिंग से, और चौथा है मशीन मिल्किंग से, बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ गुर्जर जी बोल रहे हैं डी, वर्मा जी इन्होंने भी डी वाला आंसर दिया है, बताते जाओ भैया। खुशी जी इन्होंने डी बोला है, योगेश राय जी डी, गुर्जर जी डी, बागरी जी बोल रहे हैं डी, बिल्कुल
जोधपुर, चौथा आंसर खुशी गुप्ता जी डी, योगेश राय जी डी, चंद्रेश जी डी, यादव जी इन्होंने भी डी बोला है, जाधव जी इन्होंने भी डी बोला है, राजपूत जी डी, गुर्जर जी डी, हाँ बिल्कुल, भावेश कुशवा जी डी। अच्छा जोधपुर से हो, बिल्कुल स्वागत है, मध्य प्रदेश की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं भैया। रवि राठौड़ जी इन्होंने भी डी बोला है, त्रिपाठी जी भी डी, बिल्कुल सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। कौन सा आंसर? तो वह आंसर है डी, हाइजीनिक या स्वच्छ दूध उत्पादन जो होता है वो मशीन विधि से होता है, इसको ध्यान रखना। क्लियर? बिल्कुल, क्यों क्यों यहाँ हाथों का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, डायरेक्ट जो कप होते हैं वो थनों पर अटैच होते हैं और थनों से सीधा दूध कहाँ जाता है, वो जो टैंक बना होता है उस टैंक में डायरेक्ट जाता है। मतलब यहाँ खुला मुंह वाला कोई बर्तन नहीं होता है, ना ही अगर हाथों का दो देखो तो भैया हो सकता है ग्वाला हाथ धोए नहीं धोए, गंदे हो हाथ, या फिर दूध दोहन के समय बाल झड़ के गिर जाए, या बाहर से मच्छर मक्खियाँ गिर जाए, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ अच्छा, बेस्ट मेथड में अगर आपको मशीन बोल दे, यही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसी क्वेश्चन का आपको इस ये चारों आंसर का फिर मैं एक क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ कि निम्न में से कौन सी बेस्ट मेथड है, बताओ आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ भैया कौन सी बेस्ट मेथड है दूध दोहन की। हाँ राजेश लोधा जी डी, कुशी सेन जी, हाँ ए बी सी डी, यही चारों उत्तर है। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, क्वेश्चन बोल दिया है दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, कुशवा जी सी, बताओ भैया, जाधव जी सी, दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है इन चारों में, त्रिपाठी जी डी, यहां पर भी आंसर डी ही रहेगा, गड़बड़ मत कर देना। आप जो फिस्टिंग बोल रहे हो ना, वो कब रहेगा फिस्टिंग, जब ये मशीन विधि नहीं हो। अगर मशीन विधि आ गई तो भैया क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मशीन विधि से अधिक स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। क्लियर? और पशु को तकलीफ मशीन विधि में भी कम होती है, क्योंकि मशीन विधि जो बनाई गई है वो फिस्टिंग के सिद्धांत पर ही बनाई गई है, पशु के जो थन है उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से मशीन विधि से दूध निकालोगे तो थनों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छी विधि कौन सी और उसमें मशीन दे दे, तो फिर आंसर मशीन ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग कंफ्यूज हो गए, राजपूत जी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ कब आएगा फूल एंड मिल्किंग? जब मशीन नहीं हो ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। हाँ सभी में होता है भैया, वो तो फुल हैंड मेथड से भी होती है, आया ना समझ में? लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर आप सही तरीके से सभी प्रोटोकॉल का अगर पालन करते हो तो मशीन विधि से बीमारी नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि कब फैलेगी? जब ग्वाला कप साफ नहीं करेगा, जीवाणु रहित नहीं करेगा, आया ना समझ में? ग्वाला काम करते समय मक्कारी करेगा तब बीमारी फैलेगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो मशीन विधि इज द बेस्ट फॉर द मिल्किंग, ये ध्यान रखना। तो जब भी मशीन विधि आ जाए ना ऑप्शन में, तो फिर मशीन विधि ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो आंसर है इसी में अगर क्वेश्चन को चेंज कर दें तो क्या होगा, तो ध्यान रखना। हाँ अगर ऑप्शन में मशीन नहीं है तो फिर आपका आंसर आएगा फिस्टिंग, और क्वेश्चन भी वो स्पेशली पूछेगा कि हस्त द्वारा दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि, तो हस्त द्वारा बाय हैंड, हाथों के द्वारा दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि, तो फिस्टिंग या पूर्ण हस्त दोहन विधि आएगी। लेकिन कब? जब आपको हाथों द्वारा दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि पूछे तब। मशीन विधि का उपयोग कितने बड़े बड़े डेयरी फार्म पर होता है आप सोच नहीं सकते, और बिल्कुल बीमारियां नहीं फैलती।
जब प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो मशीन मेथड ही सबसे अच्छी होती है, ध्यान रखना। समझ में आया ना? हाँ, मशीन विधि का पूछ रहे हैं कहां पर आविष्कार हुआ है। भैया जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में, हाँ, बड़े बड़े जो जर्मनी में डेयरी फार्म थे वहां पर मजदूरों की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उस स्थिति में मशीन विधि का आविष्कार किया गया था। और मशीन विधि में अगर आप देखो तो प्रेशर जो रखा जाता है, वैक्यूम प्रेशर, वो 15 पौंड प्रति वर्ग इंच से कम रखा जाता है। साथ ही साथ मशीन के अंदर जो पल्सेशन होती है, उसकी स्पंदन दर, वो भी ध्यान रखना कितनी होती है, वो होती है 55 से 60, एवरेज अगर बोलो तो 60 इज द बेस्ट। क्लियर? ध्यान रखना। बिल्कुल केवट जी आ गए, चलो ठीक है। यहां पर देखो, ये मैंने अलग अलग आपको मेथड्स बताई है, तो ये अगर देखो तो ये यहां पर आपको दिख रहा है अंगूठे को मोड़ा हुआ है, थंब को क्या किया भैया, थंब को मोड़ा हुआ है। मोड़ने के बाद ऐसा करके अगर दूध निकालते हैं तो वो नकलिंग मेथड होती है, जो कि सबसे खराब है, ध्यान रखना। दूसरा स्ट्रिपिंग या चुटकी विधि। चुटकी विधि अगर यहां क्वेश्चन बोले कि छोटे थन वाले पशु या पहली बार ब्याने वाली गाय में, क्या बोले, छोटे थन वाले पशु या पहली बार ब्याने वाली जो गाय है उसमें दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि, तो फिर आपका आएगा स्ट्रिपिंग। क्या आएगा? स्ट्रिपिंग आएगा। कब? क्वेश्चन जब पूछे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि छोटे थन वाले पशु या पहली बार बच्चा देने वाली जो गाय है उसमें दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि, तो फिर फिस्टिंग मत लगा देना, पूर्ण हस्त दोहन, फिर सबसे अच्छी आएगी स्ट्रिपिंग। इस चीज को ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो अंतिम दूध होता है, अंतिम दूध निकालने के लिए जो मोटा दूध होता है, उस दूध के दोहन के लिए भी सबसे अच्छा होता है स्ट्रिपिंग मेथड। फुल हैंड मेथड, ये हस्त हाथों द्वारा दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि होती है। आया ना समझ में? सामान्य डेयरी पशुओं में बिल्कुल ध्यान रखना। ये तीनों विधियां हस्त विधि है। हस्त विधि, हाथ के द्वारा जो दूध निकालते हो, तीनों विधियां नकलिंग, स्ट्रिपिंग और फिस्टिंग, हाथों द्वारा दूध निकालने की विधियां हैं। मशीन द्वारा दूध निकालने की विधि ये नीचे आप देख रहे हो। आया ना समझ में? ध्यान रखना। अब एक बात और ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि एक ग्वाला जो होता है, एक ग्वाला पूर्ण हस्त दोहन विधि या हाथों द्वारा दूध दोहन अगर करे तो एक घंटे में कितनी गायों का दूध दोहन कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। एक घंटे में कितनी गायों का दूध दोहन कर सकता है, तो ये आंसर भी ध्यान रखना, 8 से 10 गाय। क्लियर? अगर फिक्स बोले तो 10 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक पाली बोले, एक पाली मतलब एक घंटे में, एक घंटे में हस्त विधि से 8 से 10 गायों का दूध दोहन किया जा सकता है। क्लियर? एक ग्वाला। अगर मशीन विधि से बोले तो मशीन विधि से 5 गुना ज्यादा, मतलब लगभग 50 गाय प्रति घंटा, एक घंटे में। यहां पर ध्यान रखना, मशीन विधि द्वारा 50 गायों का एक घंटे में दूध निकाल सकते हैं, तो ये दोनों का ध्यान रखना। बिल्कुल अनुजाकड़ जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पोल्ट्री कीपिंग, निम्न में से कुक्कुट रखने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, बताओ भैया। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो भैया, क्वेश्चन को समझ गए कि आंसर निकल आया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझते ना, आंसर निकालने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तोमर जी ये वाला बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ बोला है सबसे पुरानी विधि। पुरानी विधि मतलब ये नई विधियां नहीं आई थी उसके पहले, तो हाँ, मुर्गियों को पालने की सबसे पुरानी विधि आप सभी को पता है भैया,
जो आजकल गांव में अधिकतर उपयोग होती है, अभी भी उसी पुरानी विधि का ही उपयोग करते हैं। 15-20 मुर्गियों को पालते हैं और क्या करते हैं, ओपन खुला छोड़ देते हैं, और उसको कहा जाता है फ्री रेंज सिस्टम। क्लियर? क्या होता है फ्री रेंज सिस्टम? मतलब बिना बागड़ के, कोई बागड़ नहीं है, आपने क्या किया मुर्गियों को खुला छोड़ दिया, बाजू वाले के या खाएगी, अंडा आके आपके घर देगी, आया ना समझ में? इसी को कहा जाता है फ्री रेंज सिस्टम, ध्यान रखना। तो ये सबसे पुरानी विधि है, ये जो है ये सब की सब आधुनिक विधि है, मॉडर्न मेथड है। इसमें सबसे बेस्ट अगर बोले कि मुर्गी के लिए सबसे अच्छा आवास व्यवस्था कौन सा है, बेस्ट हाउसिंग मेथड, तो वो होगा, फिर आएगा डी, कौन सा, डीप लीटर सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आया ना समझ में? फ्री रेंज सिस्टम जहां जगह पर्याप्त है, बिल्कुल खुली जगह है, या ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इसी प्रकार से मुर्गियों को पाला जाता है, ये ओल्डेस्ट मेथड है मुर्गियों को पालने की, फ्री रेंज सिस्टम। हाँ, खुला बाड़ा प्रणाली, बिल्कुल हाँ केवट जी, पशुओं में भी उपयोग करते हैं इसको, आया ना समझ में? हाँ गुर्जर जी बोल रहे हैं बेस्ट केज, अरे केज नहीं है, केज मेथड सबसे अच्छी नहीं है, मुर्गियों को पालने की बेस्ट मेथड है डीप लीटर सिस्टम, गहरी बिछाली विधि मुर्गी पालन की या हाउसिंग की सबसे बेस्ट मेथड है ये, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें रोग बहुत कम लगते हैं, साथ ही साथ मुर्गियां ठंड से नहीं मरती, बहुत सारे फायदे हैं इसके डीप लीटर सिस्टम के। हाँ बिल्कुल धाकड़ जी ने बोला है डी, ध्यान रखना। तो ओल्डेस्ट मेथड ये है और सबसे बेस्ट डीप लीटर सिस्टम है। और कई बार तो यही पूछा है कि डीप लीटर सिस्टम का संबंध किससे, तो डीप लीटर सिस्टम का संबंध होता है मुर्गियों के आवास से, पोल्ट्री हाउसिंग से, इस चीज को ध्यान रखना। डीप लीटर सिस्टम में कुछ नहीं करते, जमीन पर 6-12 सेंटीमीटर मोटी क्या बिछाते हैं, बिछावन, जो सूखी घास है या पुआल है उसकी बिछावन बिछाई जाती है, इसी को कहा जाता है डीप लीटर सिस्टम। चलते हैं, मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं भैया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये फ्री रेंज सिस्टम, बिल्कुल मुर्गियों को ओपन खुला छोड़ दिया है कि भैया बाजू वाले के यहाँ उधर से खा के आओ, अंडा हमारे यहाँ देना, ये है फ्री रेंज सिस्टम। ये केज सिस्टम है जो आप बोल रहे थे ना, पिंजरा विधि, इसमें मुर्गियों को पिंजरे में रखते हैं। फिर यहां पर देखो तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम, अर्ध सघन प्रणाली। क्लियर? इसमें क्या करते हैं, जाली लगाकर पार्ट बना देते हैं, अलग अलग हिस्से बना देते हैं। क्लियर? फिर ये जो होता है डीप लीटर सिस्टम, इसमें अगर देखो तो मुर्गियों के नीचे आप देखो सरफेस पे घास है सूखी, आया ना समझ में? ये घास का उपयोग करते हैं, इसी पर मुर्गियां अपनी बीट करती है, साथ ही साथ जो भी अगर दाना पानी गिरेगा वो इसी पर गिरेगा, और ये जब खराब होने लगती है तब इसको यहां से चेंज कर देते हैं और इसका उपयोग खाद या आपका ऑर्गेनिक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप सभी। हाँ हाँ, पोल्ट्री हाउस में ध्यान रखना भैया, ये निहाल वर्मा जी बोल रहे हैं एक पोल्ट्री हाउस के अंदर अधिकतम 250 मुर्गियां रखना है, कितनी, 250। और डीप लीटर से एक क्वेश्चन और आता है मोस्ट आईएमपी है, यहां पर हर मुर्गी के लिए 3 स्क्वायर फीट इतनी जगह रखी जाती है, आया ना समझ में? ये क्वेश्चन पूछा आता है कि डीप लीटर सिस्टम में प्रति मुर्गी के लिए कितना स्थान रखा जाता है, तो वो ध्यान रखना 3 स्क्वायर फीट, ये यहां से डीप लीटर से ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेम ऑफ क्लेरिफाइड बटर फेड इज, क्लेरिफाइड बटर फेड का भारतीय नाम क्या है? मतलब बटर फेट जो होता है, मतलब बटर, बटर समझते हो ना मक्खन को, मक्खन के अंदर जो वसा होती है उसको क्या कर लो, और क्लियर कर लो और शुद्ध कर लो, तब क्या बनेगा? अगर बटर या मक्खन को आप गर्म कर लो, गर्म करने के बाद बचा कुचा उसके जो है उसमें से पानी या नमी को और निकाल दो, तो आप क्या बचेगा, आप खुद बताओ क्या आंसर होना चाहिए। खुशी गुप्ता जी को अब आ गया आंसर ए, हाँ साक्षी जी ने भी ए, बिल्कुल वो है घी, बी वाला आंसर, जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला आंसर गलत है गुर्जर जी, ए वाला भी गलत है, थोड़ा सा डराया आंसर बदल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए,
आप बटर फैट जो होता है मींस मक्खन जो होता है इसको क्या करें हम और क्लियर कर लें, और साफ कर लें। तो आप इसको कढ़ाई में लो, गर्म करो, थोड़े देर गर्म होने दो, उसके बाद क्या बचेगा, तो बचेगा प्योर फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, भारतीय भाषा में हम घी बोलते हैं। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, क्लेरिफाइड बटर फैट क्लियर का भारतीय नाम, भारत में उसको क्या बोलते हैं, विदेशों में भी यह बटर खाते हैं, घी का उपयोग नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं उसको और क्लियर करते हैं और उसमें बचा कुचा जो भी मॉइस्चर है उसको निकाल देते हैं और क्यों प्योर फैट का उपयोग करते हैं, क्लियर। तो उसको कहा जाता है घी, क्लियर हो गया। चलो ठीक, आंसर चेंज नहीं करना, आपको अगर बी लगा है तो बी बताओ, मैं तो डरा देता हूं बीच में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट कूलाम्ब पर वोल्ट, किस भौतिक राशि की इकाई कूलाम्ब प्रति वोल्ट है, बताओ। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलो हम लोग निकालते हैं भैया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो भैया, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, अब गति के लिए तो मीटर पर सेकंड आप बताते हो, क्या बताते हो, गतिशीलता, गति के लिए कौन सा मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हावर, यह होता है। तो यह आपका तो हट गया है। चालकता, चालकता का मात्रक होता है मोह, मीन्स प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध का अगर उल्टा होगा तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर वी बटे आई, मीन्स वोल्ट पर एम्पियर, ये होता है। आया ना समझ में। और अगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ चालकता का अगर बोलोगे तो चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है, तो चालकता के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वोल्ट, ये मात्रक हो जाएगा इसका। तो ये वाला आंसर भी आपका क्रॉस, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ये वाला भी गलत है। अब बचा आपका डी वाला, डी वाला जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। एक संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, आपने धारिता पढ़ा होगा, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता बराबर क्यू बटा वी, आवेश बटे विभव होता है, क्या होता है, धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है। अब यहां पर अगर आप मात्रक निकालने जाओ तो आवेश के लिए क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम्ब, तो ये हो गया आपका कूलाम्ब पर, बटे में है विभव, विभव के लिए ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, क्लियर। तो आपका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा आंसर आएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। पेडोमीटर का क्या उपयोग है, पेडोमीटर जो होता है वो कदम मापने के लिए उपयोग करते हैं, आप कितने कदम चले, पेडोमीटर का उपयोग सर्वेक्षण में होता है कदम मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, सीधे अगर बोलो तो जब हम कदम से दूरी मापते हैं तब पेडोमीटर का उपयोग करता है, वो पेडोमीटर आपके कदम की संख्या बताता है, और एक जितनी संख्या बताता है उसमें एक कदम द्वारा चली गई जो दूरी है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल दूरी आ जाती है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हे मेकिंग, आप सभी समझते हो भैया हे क्या होता है, जब हम चारे को सूखी अवस्था में संग्रहित करके लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, सूखी अवस्था में, ड्राई फेज में, मीन्स अगर हम चारे को शुष्क अवस्था में लंबे समय तक सुरक्षित रखें तो उसको कहा जाता है हे, और हे बनाने के लिए जो फसलें होती है उनमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ पत्तियां ज्यादा होना चाहिए, और पत्तियों के साथ साथ उनकी शाखाएं, तना मुलायम होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी होना चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होना चाहिए वो लेग्यूमिनोसी कुल की होना चाहिए, किसमें, लेग्यूमिनोसी फैमिली की होना चाहिए, दलहनी फसल की मेनली। तो यहां पर अगर आप देखो तो जई को तो हटा दो, मक्का को भी हटा दो, मक्का साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी है, यहां है का पूछ रहा है, और लोबिया या काउपी उपयोग तो करते हैं इसका, लेकिन आपको क्या बोला है, बनाने के लिए सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम फसल जो होती है वो होती है लूसर्न, कौन सी होती है, लूसर्न। तो यहां आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर, बरसीम और लूसर्न का उपयोग सबसे ज्यादा
किया जाता है। हाँ गुर्जर जी, हे में नमी जो होना चाहिए वो 15 से 18% होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम भंडारित करते हैं तब इसमें 15% से कम नमी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर 15% से कम नमी अगर रहेगी तो उसमें किसी भी प्रकार का फंगस या किसी भी प्रकार का उसका किण्वन या फॉर्मेंटेशन नहीं होगा, खराब नहीं होगी। तो मॉइस्चर भंडारित स्टोर करते समय उसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए, फसल को काटते समय 30 से 40% मॉइस्चर होना चाहिए, और जब उसको स्टोर करते हैं तब नमी या मॉइस्चर 15% से कम होना चाहिए। हाँ लूसर्न को ही रिचका या अल्फा अल्फा भी कहते हैं, बिल्कुल इसी को कहा जाता है रिचका या अल्फा अल्फा। ये PSCSE एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अल्फा अल्फा क्या बीमारी है, तो अल्फा अल्फा एक प्रकार का क्या है, चारा है, पशुओं का फोडर क्रॉप है, और इसमें लूसर्न में ध्यान रखना क्रूड प्रोटीन 20.2%, कच्ची प्रोटीन, इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द गर्बर फैट टेस्टिंग मेथड, गर्बर फैट टेस्टिंग विधि में निम्न में से किस अम्ल का सल्फ्यूरिक एसिड, किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं भैया, ध्यान रखना अम्ल में कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, तो अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्कोहल की अगर बात करें तो हम करते हैं एमाइल एल्कोहल का उपयोग, आया ना समझ में। अब मैं कुछ चीजें आपको यहां गर्बर मेथड की मोस्ट टाइम पे बताऊंगा जो पूछी जाती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं दूध कितना लेते हैं, आप सभी को पता है 11 ml। गर्बर विधि में हम ब्यूटायरोमीटर का उपयोग करते हैं, उस ब्यूटायरोमीटर के अंदर जो दूध डाला जाता है दूध 11 ml लेते हैं, क्लियर। फिर दूसरा जो लेते हैं H2SO4 जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये लेते हैं 10 ml, आया ना समझ में, कितना लेते हैं 10 ml, और इसका डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं इसका जो घनत्व होना चाहिए डेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1.820 से 1.825, ये डेंसिटी होना चाहिए किसकी, H2SO4 की। और फिर एक लिया जाता है एमाइल एल्कोहल, एमाइल एल्कोहल, एमाइल एल्कोहल कितना लेते हैं, हाँ वही 1.820 से 1.825, ध्यान रखना एमाइल एल्कोहल लेते 1 ml मिलीलीटर, और इसका जो होना चाहिए 0.812, कितना डेंसिटी होना चाहिए, इसका डेंसिटी भी याद रखना भैया, पूछा जाता है, आया ना समझ में। अब ये सब आपको क्लियर हो गया, अब ब्यूटारोमीटर जो चक्का होता है जिसके अंदर इन सबको भरकर ब्यूटारोमीटर को कॉर्क से बंद करके उस चक्के के अंदर या गर्बर मशीन के अंदर जो रखा जाता है, तो उसका चाल भी याद रखना कितना 1100 rpm, राउंड पर मिनट, कितनी स्पीड से घूमता है वो चक्का 1100 पर मिनट, एक मिनट में 1100 चक्कर लगाने चाहिए, और कितने समय के लिए घुमाते हैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए, कितना 3 से 4 मिनट के लिए ब्यूटायरोमीटर रखने के बाद उस चक्के को घुमाया जाता है, क्लियर। हाँ सभी को क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है आज का हमारा वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आप वेदागिरी इंस्टीट्यूट पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबाएं, और क्या करें, और कुछ नहीं, आराम करो, शुभ रात्रि सभी को, और सभी को जय हिंद।